हाँ, फाइनली क्लियर हुआ जिंदगी का ये काफी जरूरी पड़ाव। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन्हीं सब चीजों में निकला पिछला 2 साल। एग्जाम क्लियर हुआ, इस बात की खुशी तो है, पर क्या मेरी रैंक अच्छी है? कौन सा कॉलेज मिलेगा? कौन सा ब्रांच बेस्ट है? मनपसंद ब्रांच मिलेगा? कॉलेज मिलेगा? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. आप अपने रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज चूज कर पाएंगे, जो कि मैंने भी कहीं ना कहीं अपने टाइम पे फॉलो किया था। सबसे पहला पॉइंट, What's your ultimate goal? Decide कि आपको कॉलेज के बाद अपने लाइफ में करना क्या है। आपको जॉब करनी है, आपको स्टार्टअप्स खोलने हैं, या फिर आपको हायर स्टडीज करनी है, M.Tech, PhD और। ये चीज डिसाइड करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको पहले ही डिसाइड कर लेते हैं देन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कॉलेज डिसाइड करने में, कॉलेज प्रिफर करने में। एंड अगर ये पॉइंट क्लियर होता है तभी आप आगे के पॉइंट्स पे डिसीजन आसानी से ले पाओगे। सो What's your ultimate goal? Second point, do you want placements or not? अब students के अलग अलग target होते हैं, कईयों को placement चाहिए होता है, कईयों को नहीं चाहिए होता है। तो मैंने काफी सारे ऐसे students देखे हैं जो कि पूरी तरीके से focused रहते हैं college placements के लिए, लेकिन ऐसे भी students देखे हैं जिन्हें college placements लेना ही नहीं है for any XYZ reason। और कुछ ऐसे भी students देखे हैं जो कि पूरी तरीके से confused रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। सो ऐसे में काफी ज्यादा उनके कॉलेज लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज अगर आप पहले ही डिसाइड कर लोगे आपको प्लेसमेंट लेना है कि नहीं लेना है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और आपका जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्मूथ निकलेगा एंड बाद में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, कोर या नॉन कोर कंपनी। अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से कंपनीज टारगेट करने हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कोर कंपनीज ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड कंपनीज निकल के आती हैं। मान लो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कोर कंपनीज हो गए टाटा मोटर्स और महिंद्रा। अब अगर मैं नॉन कोर कंपनीज की बात करूँ तो ये ऐसे कंपनीज होती है जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं होती। जनरली IT सेक्टर वाले कंपनीज नॉन कोर कंपनीज में आती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जहाँ पे आपको अपने ब्रांच के स्टडीज के साथ कोडिंग प्रोग्रामिंग भी करना होगा। नॉन कोर कंपनीज टारगेट अगर आपको करने हैं तो जनरली कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स ज्यादा प्रीफर करते हैं, बट जनरली काफी सारी कंपनीज हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को बैठने के लिए देती है अपने प्लेसमेंट्स में। बट कंडीशन ये है आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स काफी ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए। और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि उतने ज्यादा अच्छे ब्रांच में नहीं होते हैं, बट वो ऐसे IT सेक्टर वाली कंपनीज के प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा तगड़े तरीके से फोड़ डालते हैं और बहुत ज्यादा तगड़े प्लेसमेंट्स निकालते हैं। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कॉलेज प्लेसमेंट्स लेना ही नहीं, क्योंकि या तो वो गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फॉर M.Tech, या तो फिर वो कुछ और ही करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस, स्टार्टअप या फिर अदर एग्जाम की तैयारी। सो इस केस में आपको अगला पॉइंट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो अगला पॉइंट निकल के आता है, व्हाट्स योर फेवरेट ब्रांच। आपको कौन से इंजीनियरिंग फील्ड में काफी इंटरेस्ट आता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कौन से ब्रांच में आपका इंटरेस्ट बनता है? अब अगर आप प्लेसमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो ये पॉइंट काफी ज्यादा आपके प्रायोरिटी में आ जाता है एंड आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा ब्रांच काफी अच्छा लगता है या फिर कौन कौन से ब्रांचेस अच्छे लगते हैं। लेट्स से आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी जरूरी बन जाता है कि आपको अपने ब्रांच में पूरी तरीके से इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि गेट एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं है एंड आप फिर आगे M.Tech करोगे तो इंटरेस्ट बनाना काफी जरूरी है आपके ब्रांच में। अब अगर आपको गेट एग्जाम की तैयारी भी नहीं करनी है, प्लेसमेंट्स भी नहीं लेना है और आपके टारगेट कुछ अलग है, आपको कुछ और करना है, तब भी आपको अपना फेवरेट ब्रांच लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका कॉलेज में रिजल्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है जस्ट बिकॉज उन्हें अपने ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं आता है, उन्हें मजा नहीं आता। एंड B.Tech इंजीनियरिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो मनपसंद ब्रांच अगर नहीं लोगे, इंटरेस्ट नहीं जमा पाओगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। सो एक बार टाइम निकाल के अच्छे से सोचो कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट आता है, जिन्हें आप काफी अच्छे तरीके से 4 साल पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, डू यू हैव एनी कॉलेज प्रेफरेंस और नॉट। क्या आपका कोई कॉलेज प्रेफरेंस है पहले से फॉर एनी XYZ रीजन?
लाइक मेरे केस में क्या था ना कि मेरे घर वाले, मैं तो ओपन था इस चीज के लिए, बट मेरे घर वाले मुझे आसाम साइड और कश्मीर साइड के कॉलेज में भेजना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि लाइक बहुत ज्यादा अनस्टेबल एरिया है और अनस्टेबल एरिया पे वो भेजना नहीं चाह रहे थे। तो उस केस में मेरा तो वो उधर के कॉलेजेस का जो ऑप्शन था वो कैंसिल हो गया था पहले ही। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ ना कुछ कॉलेज प्रेफरेंस होगा, हो सकता है उन्हें होम स्टेट पे रहकर पढ़ना हो सकता है वो अदर स्टेट जाना चाहते हो। सो ये कॉलेज प्रेफरेंस काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है आपकी चॉइस फिलिंग में। ऑब्वियसली वो अगर होम स्टेट पे रहना है तो होम स्टेट के कॉलेज को प्रीफर करो, अगर बाहर जाना है तो बाहर कॉलेज को प्रीफर करो। ये चीज भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चॉइस फिलिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। अगला पॉइंट काफी ज्यादा जरूरी है, विच कॉलेजेस आर यू गेटिंग विथ योर रैंक। आपको अपनी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकता है, जितने मैंने पॉइंट्स अब तक बताए हैं उन्हें 2 मिनट के लिए साइड पर रखो एंड प्रीवियस ईयर रैंक सबके सर्च करो इंटरनेट पे एंड अपने रैंक के क्लोज जितने भी कॉलेजेस, जितने भी ब्रांच के पॉसिबिलिटीज बनते हैं उन सभी को एक पेज में नोट डाउन कर लो। चाहे आपको उस कॉलेज में जाना हो या ना हो, फिर भी आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड आपको प्रीवियस ईयर रैंक चेक ऐसा करना है कि मान लो अगर आपका 10,000 रैंक है तो आपको 10,000 रैंक पे ही कॉलेजेस नहीं देखने हैं, आपको 5,000 से लेके 15,000 के रेंज तक जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, जितने भी चॉइसेस आ रहे हैं, वो सभी को आपको लिख के रख लेना है। एंड आप ये रेंज बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि लाइक चॉइस फिलिंग जब आप करोगे ना काउंसलिंग के वक्त, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चॉइस फिलिंग करने पड़ेंगे एंड ये चीज़ आपको कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपके रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। पूरा सर्च कर लो आपके रैंक पे क्या क्या आपको मिल सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब एक बार नोट डाउन कर लो और ये चीज़ आपको चॉइस फिलिंग में आगे पॉइंट में हेल्प होगी। अगला पॉइंट, चॉइस फिलिंग इज द रियल गेम। अब तक आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस या कॉलेजेस प्रीफर करने हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आपको किसी एक ब्रांच या कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं, क्योंकि जेई में स्टूडेंट्स होते हैं रैंक के गुलाम। आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा ये डिसाइड करता है आपका रैंक, ये आपके हाथ में नहीं होता है। बट एक चीज आपके हाथ में होती है, वो है चॉइस फिलिंग। पूरा गेम इसी का है। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के रैंक काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें काफी अच्छा ब्रांच, काफी अच्छा कॉलेज मिल सकता है उनके रैंक के हिसाब से, बट खराब चॉइस फिलिंग की वजह से उन्हें उस लेवल तक ब्रांच या कॉलेज नहीं मिल पाता है जो कि उस रैंक पे मिलना चाहिए। सो एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग, एक अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगला अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज मिलेगा ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी रैंक पे और काफी हद तक आपके चॉइस फिलिंग, बट ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। आपकी रैंक जितनी भी हो आपको साथ में अब दूसरे चॉइसेस को भी लेके चलना है, एक बैकअप लेके चलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिस ब्रांच को लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज को लेना चाहते हैं, आपको ना मिले। लेट्स से आपको आईटी खड़गपुर में चाहिए सीएसई ब्रांच, बट किसी कारणवश वो आपको नहीं मिल पाता है, तो उसके 2-3 कॉलेज नीचे आ जाओ और वहां सीएसई ले लो। सो ये होगा आपका बैकअप ऑप्शन। अगर एक ऑप्शन आपके लिए आपको नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन सही, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा सही, ऐसे ही आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि आपको अपने इंटरेस्ट के काफी अलग अलग ब्रांचेस चूज करने हैं, जिससे आपका बैकअप ऑप्शन काफी ज्यादा तगड़ा रहे एंड आप एक ब्रांच के भरोसे या फिर एक कॉलेज के भरोसे ना बैठें। अगर आप नॉन कोर कंपनीज टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कोर कंपनीज अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को बैठने के लिए देती है, तो खास बात यहाँ पे ये है, अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके कॉलेज को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हो तो ये काफी तगड़ा मूव रहेगा आपके लिए। पिछला एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको आईटी खड़गपुर में चाहिए सीएसई, लेकिन आप यहाँ पे ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, तो आप आईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल ले लो, ऊपर के कॉलेजेस में थोड़ा नीचे ब्रांच ले लो। काफी सारे लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं और काफी सारे लोग ब्रांच को प्रीफर करते हैं, जो कि जनरली करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोर कंपनी से प्लेसमेंट का टारगेट है तो आपको ऑब्वियसली आपको ब्रांच को टारगेट करना होगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन कोर कंपनीज अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को बैठने के लिए अलाउ करती हैं। आपको अपनी रैंक पे जिस कॉलेज का टॉप ब्रांच मिल रहा है उस कॉलेज को ना लेके आप थोड़ा सा ब्रांच लोअर कर लो और उस कॉलेज के ऊपर चले जाओ, जिससे हुआ क्या कि आपको पहली बात कॉलेज प्लेसमेंट्स काफी अच्छे मिलेंगे एंड दूसरी बात आपको कॉलेज एनवायरमेंट काफी अच्छा मिलेगा। एज अ स्टूडेंट जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो कॉलेज एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस मुझे अब समझ में आ रहा है। आसपास क्या ना आपको कॉम्पिटिशन दिखता है, लाइक आपके लेवल के लोग दिखते हैं, आपसे बेहतर लोग भी दिखते हैं, तो आप पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन वहाँ पे देख सकते हो एंड या आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर सकते हो एंड या ऑब्वियसली हेल्प एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो यार। आईटीज एनआईटीज में कल्चर रहता है हेल्पिंग का, काफी सारे इवेंट्स में टीम्स बने रहते हैं, टीम्स बना के एक दूसरे को हेल्प करके काम करते हैं, तो ये काफी ज्यादा तगड़ा एनवायरमेंट मिलता है ऊपर ही कॉलेजेस में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं
चॉइस फिलिंग करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा टाइम लो, थोड़ा दिमाग में जोर डालो, फिर से सोचो इस चीज के बारे में एंड ऑलवेज नोट डाउन योर डिसीजन, ऑलवेज नोट डाउन योर आंसर। ये है तुम्हारा अल्टीमेट गोल, ये प्लेसमेंट गोल्स, तुम्हारा फेवरेट ब्रांच, ब्रांच जो तुम्हें मिल सकता है और जो इन सभी चीज को सेटिस्फाई करता है, वो है तुम्हारे लिए तुम्हारा बेस्ट ब्रांच। इस वीडियो के लिए गिव इट अ थम्स अप, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एंड फिलहाल इस वीडियो को लिखे एंड।